हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल ईश कौशिक्स इंग्लिश वर्ल्ड इन द सीरीज ऑफ टॉप 500 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन विलियम शेक्सपियर एंड हिज वर्क्स फॉर यूपी पीजीटी एंड टीजीटी इंग्लिश। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पार्ट थर्ड। द क्वेश्चंस आर क्वेश्चन नंबर 41, हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो? आंसर इज रॉबर्ट ग्रीन। शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो किसने कहा? आंसर है रॉबर्ट ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 42, हु इज द ऑथर ऑफ द पोयम वीनस एंड एडोनिस? वीनस एंड एडोनिस नाम की पोयम का ऑथर कौन है, उसका पोएट कौन है? आंसर है विलियम शेक्सपियर। ये विलियम शेक्सपियर की पहली पोयम है जिसके बारे में विलियम शेक्सपियर ने कहा है द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 43, हाउ मेनी सोनेट्स वर रिटन बाय शेक्सपियर? शेक्सपियर ने कितनी सोनेट्स लिखी? आंसर इज 154 सोनेट्स। शेक्सपियर के द्वारा 154 सोनेट्स लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 44, इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट? ओथेलो प्ले जो विलियम शेक्सपियर का सबसे फेमस ट्रेजेडी है, उसकी सेटिंग, उसका बैकग्राउंड किस देश में सेट किया गया? द आंसर इज वेनिस। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये ओथेलो वो स्टोरी है जिसके ऊपर बॉलीवुड में ओमकारा नाम की फिल्म भी बनी थी जिसमें मेन कैरेक्टर अजय देवगन का था। क्वेश्चन नंबर 45, हु इज द हीरोइन ऑफ द प्ले ओथेलो? ओथेलो जो शेक्सपियर का फेमस ट्रेजेडी है, उसकी हीरोइन कौन है? आंसर इज डेस्टिमोना। डेस्टिमोना वॉज ओथेलोज वाइफ। क्वेश्चन नंबर 46, हु इज नोन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स फीमेल कैरेक्टर्स? शेक्सपियर के फीमेल कैरेक्टर्स में चौथी चुड़ैल किसको कहा गया, फोर्थ विच किसको कहा गया? द आंसर इज लेडी मैकबेथ। मैकबेथ प्ले में तीन विचेस होती हैं जो दो बार मैकबेथ से मिलती हैं, और उस प्ले में चौथी विच लेडी मैकबेथ को कहा गया क्योंकि मैकबेथ के अंदर जो ट्रेजेडी होती है उसके लिए लेडी मैकबेथ उन तीन चुड़ैलों से ज़्यादा जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 47, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड शाइलॉक? शेक्सपियर के कौन से प्ले में, कौन से नाटक में हमको शाइलॉक नाम का कैरेक्टर मिलता है? आंसर इज मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस में शाइलॉक नाम का कैरेक्टर हमको मिलता है। शाइलॉक नाम का कैरेक्टर क्रिस्टोफर मार्लो के ज्यू ऑफ माल्टा से इंस्पायर्ड है। ये क्रिस्टोफर मार्लो के कैरेक्टर द ज्यू ऑफ माल्टा से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 48, मिरांडा इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स ऑफ वन ऑफ द शेक्सपियर्स प्ले, वेयर डू वी फाइंड हर? मिरांडा नाम का एक बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है शेक्सपियर के प्ले में, हमको मिरांडा नाम का कैरेक्टर शेक्सपियर के किस प्ले में मिलता है? द आंसर इज टेम्पेस्ट। मिरांडा द टेम्पेस्ट की हीरोइन है। क्वेश्चन नंबर 49, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड फोर्टिनब्रास? फोर्टिनब्रास नाम का कैरेक्टर हमको शेक्सपियर के किस प्ले में मिलता है? द आंसर इज हैमलेट। शेक्सपियर का बहुत फेमस ट्रेजेडी है, सबसे लंबी ट्रेजेडी है, जिसका नाम है हैमलेट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। उस प्ले में हमको फोर्टिनब्रास नाम का कैरेक्टर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 50, एज कैनॉट विदर हर नॉ कस्टम स्टेल हर इनफाइनाइट वैरायटी। एज कैनॉट विदर हर नॉ कस्टम स्टेल हर इनफाइनाइट वैरायटी, दीज लाइन्स आर फ्रॉम विच ऑफ द शेक्सपियर्स प्लेस? ये फेमस कोट शेक्सपियर के कौन से प्ले से लिया गया है? द आंसर इज एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। ये वाला कोट एनॉर्बस के द्वारा बोला जाता है। एनॉर्बस
ये लाइंस बोलता है एंटोनी ऑन क्लियोपेट्रा में। क्वेश्चन नंबर 51, फ्रायलिटी दाई नेम इज वुमेन, दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम फ्रायलिटी योर नेम इज वुमेन, ये वाली लाइन शेक्सपियर के कौन से प्ले से ली गई हैं। द आंसर इज हैमलेट, कमजोरी का दूसरा नाम वुमेन है। ये वाली लाइन्स शेक्सपियर के हैमलेट नाम के प्ले से ली गई है, जो कि शेक्सपियर की द्वारा लिखी गई सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। क्वेश्चन नंबर 52, टू विच एज डिड विलियम शेक्सपियर बिलोंग, विलियम शेक्सपियर कौन सी एज से आते हैं। द आंसर इज एलिजाबेथन एज, विलियम शेक्सपियर की एज को एज ऑफ शेक्सपियर या एज ऑफ एलिजाबेथ के नाम से भी जाना जाता है। शेक्सपियर के अधिकतर प्ले क्वीन एलिजाबेथ के समय लिखे गए और क्वीन एलिजाबेथ ने शेक्सपियर को पैट्रोनेज दिया, उनको सपोर्ट किया। क्वेश्चन नंबर 53, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड एन एपिलॉग, शेक्सपियर के कौन से प्ले में हमको एपिलॉग मिलता है। द आंसर इज द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट में हमको एपिलॉग मिलता है। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट्स, शेक्सपियर की सोनेट्स की मेन थीम क्या है। आंसर इज लव। क्वेश्चन नंबर 55, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज अ सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फैड्स ऑफ द डे। स्टॉप, शेक्सपियर प्ले डीलिंग विद द सोशल सटायर शेक्सपियर का वो प्ले जो सोशल सटायर है उस समय के उस युग के फैशंस के बारे में, उस प्ले का नाम है लव्स लेबर लॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्ट्रैटफोर्ड, स्ट्रैटफोर्ड में शेक्सपियर के घर का क्या नाम था, जो घर उन्होंने शेक्सपियर ने स्ट्रैटफोर्ड में बनाया उस घर का क्या नाम था। आंसर इज न्यू प्लेस, शेक्सपियर के घर का नाम न्यू प्लेस था। क्वेश्चन नंबर 57, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डेपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ, शेक्सपियर के कौन से प्ले में प्रोविंशियल पीरियड के प्रोविंशियल युग के मिडिल क्लास की लाइफ का चित्रण किया गया है। द आंसर इज मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर। क्वेश्चन नंबर 58, हु रिवाइज्ड किंग लियर सो दैट कॉर्डिलिया कुड मैरी एडगर एट द एंड, किंग लियर जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी है उसको किसने रिवाइज किया ताकि कॉर्डिलिया एंड में एडगर से शादी कर सके। मैं आपको ये बात और बताना चाहूँगा कि कॉर्डिलिया इज़ हीरोइन ऑफ द प्ले द किंग लियर। द आंसर इज़ नाहुम टेट, नाहुम टेट ने शेक्सपियर के प्ले किंग लियर को रिवाइज़ किया और वो क्वीन एलिजाबेथ के कहने पर उसको रिवाइज़ किया गया। क्वेश्चन नंबर 59, क्लियोपेट्रा वॉज द क्वीन ऑफ विच कंट्री, क्लियोपेट्रा जो विलियम शेक्सपियर के प्ले उसकी फेमस ट्रेजेडी एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा का फेमस कैरेक्टर है, उसकी हीरोइन है, वो किस कंट्री को बिलोंग करती थी। द करेक्ट आंसर इज इजिप्ट। क्वेश्चन नंबर 60, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब द सेवन एजेस ऑफ मैन, शेक्सपियर के कौन सा प्ले सेवन एजेस ऑफ मैन को डिस्क्राइब करता है। द करेक्ट आंसर इज एज यू लाइक इट। इसमें कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ये वाली जो पोएम थी द सेवन एजेस ऑफ मैन, इस पोएम को एज यू लाइक इट में कौन गाता है, इसको जैक गाता है, जो कि एज यू लाइक इट में जैक द मेलनकली के नाम से फेमस है। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो पूरे प्ले में उदास रहता है। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।